खैर ये कुछ दिनों की बात है, मंडे से इंशाल्लाह टाइमिंग रूटीन सब सेट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ भी देता चलूँ, एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। बहुत सारी हैं गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले तो टेंशन बहुत सारी है, इसके अलावा और भी टेंशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने किचन की सफाई भी कर ली है और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं और चूल्हा भी साफ कर लिए। चलते हैं, फ्रेश होते हैं क्योंकि जुम्मे की नमाज का टाइम भी होने वाला है। और अभी जो है ना, अबू भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अबू? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। और सुना, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र ठीक। सुना है, जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? और गर्मी तो बहुत होगी अबू बाहर? बिल्कुल गर्मी है, हवा अभी आज नहीं चल रही जी, और सूरज भी बहुत गर्म है। अच्छा अच्छा, चाय पानी शरबत कुछ बताएं? नहीं बेटा, बस अभी जो है ना नमाज पढ़नी है, घर में पढ़ लेता हूं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम शाम खत्म हो चुका है और बस अभी करनी ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के बाद हम होंगे फ्रेश और उसके बाद करेंगे जुमा नमाज अदा। तो मिलते हैं आप सबसे शावर लेने के बाद। अभी मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, तो अभी करते हैं जुमा की नमाज़ अदा। और अभी तक मैंने बाल भी ड्राई नहीं किए और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी नमाज के लिए चादर भी निकाल ली और साथ में जाए नमाज भी निकाल ली। जुमा की नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा की नमाज़ भी अदा कर ली है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और अभी करते हैं कुरान पाक की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है और जुमा नमाज भी अदा कर ली है। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को हंसता मुस्कुराता रखे और उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो आसान करे। अभी जो है मैं अपने बाल ड्राई करती हूँ और उसके बाद चलते हैं छत पर, थोड़ी हवा भी खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जुमा नमाज और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो अभी मुझे याद है कि व्लॉग भी कंटिन्यू करना है और सलाम भी मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा ऊपर छत पर चलते हैं, सलाम भी करके आते हैं और आप सब लोग से ढेर सारी बातें भी करके आते हैं और मौसम भी इंजॉय करके आते हैं। और यहाँ पर देखें इतना प्यारा मौसम बना हुआ है और अब्बू भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब्बू क्या कह रहे थे आप कि बारिश हुई थी? जी जी बारिश हुई थी, मैं आपको आवाज़ दे रहा था, मैं कि शायद फातिमा किसी काम में मसरूफ है जी, फिर मैं रुक गया। हवा ऐसे चली ठंडी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। अच्छा, तो ऐसे बादल आए फिर चले गए, बस जब अल्लाह का हुक्म होगा बारिश इंशाल्लाह हो जाएगी जी। मौसम बहुत प्यारा बना, बहुत जी प्यारा मौसम। अब मौसम तो डेली शाम के टाइम बहुत ही प्यारा बना होता है और बारिश के अमकानात बहुत होते हैं जी जी। लेकिन आती नहीं है बारिश, बारिश जब अल्लाह का हुक्म होगा फिर बारिश आएगी। अच्छा अब खाने का बताएं? खाना तो बेटा आज मैंने खाना नहीं है कि दोपहर को मैंने खाया खाना। क्या खाया दोपहर को? दोपहर को मैंने बेटा वो पराठे बनवाए थे, वो जो अंदर से तेल नहीं लगवाते, बाहर से अंदर से तेल हल्का सा लगाते ना, बाहर वाले तेल वाले मैं नहीं खा सकता। अच्छा नहीं घर से? वो तो अबू नाश्ता किया था आपने? बस वही नाश्ता, वही मेरा खाना होता है। अच्छा हाँ, फिर वही अभी तक हजम भी नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी देखो अगर थोड़ी भूख लगी तो बिस्कुट और चाय। अब वो बिस्किट भी हैं और पापे भी हैं, अगर कहें तो मैं चाय बना के ले आऊँ ऊपर? बेटा जब मुझे ज़रूरत होगी ना मैं आपको बताऊँगा। चलो ठीक है, कुछ खाने को होती है तो उसी वक्त मैं आपसे मांग लेता हूँ, मगर जब नहीं होती ना मेरी तबीयत ही ऐसी है ना जी जी, हाँ तो फिर मैं ऐसा नहीं है ज्यादा पानी यूज करता हूँ या जूस पीता हूँ ऐसे। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। ये वेलकम अबू। हाँ जैसे आप लोग ख्याल करते हैं मेरा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा के। जी आमीन। और इस टाइम को एक चीज़ जो है ना मुझे और पसंद है, वो है लाइटिंग, कराची की मशहूर लाइटिंग। और कराची जो है ना लाइटों से ही मशहूर है। मैंने सुना है कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और वाकई में जैसे मगरिब की अजान होती है ना उसके बाद लाइटें जब ऑन होती है ना, तो बस अभी मैं छत की लाइट ऑफ करूँगी तो सारी लाइटें जो है ना आराम से दिखेंगी। यहाँ से देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है। खैर अबू आप इंजॉय करें हवा। जी जी बेटा। मैंने हवा एंजॉय कर लिया, तभी चलते हैं नीचे। और आज है सब्जी में आलू पालक, तो अभी जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि अम्मी के भी आने का टाइम होने वाला है और मेरे हस्बैंड का भी, तो उनके आने से पहले बना लेते हैं। और मसाला हमारा रेडी हो चुका था तो, और अभी मैंने इसमें डाला है आलू और साथ में पालक वॉश करके। और यहाँ पर आटा भी मैंने निकाल लिया, पानी भी ले लिया और आटे में नमक भी डाल दिया। और यहाँ पर हमारी पालक और आलू की भुनाई हो रही है और साथ में मैंने सोचा कि आटा भी गूंध लेते, तो भी आटा गूंधते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी आलू पालक की सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है, इसी के साथ आटा गूंध कर मैंने रख दिया है ऊपर, इसके प्लेट दे देते हैं। और अभी तक कोई भी नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड आए ना अम्मी आई है, और भाई भाभी घर पर नहीं है।
और अब्बू जो है वो छत पर बैठे हुए हैं, तो अब्बू से मैंने पूछा है कि आपको मैं रोटी बना दूँ, तो अब्बू ने कहा मैंने बिल्कुल नहीं खाना, मेरा पेट अभी तक भी फुल है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, और मेरे जो कपड़े हैं वो सारे पसीने से गीले हो गए हैं और मेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नहा कर आई हूँ। खैर अभी चल कर बैठते हैं, बस इसके ऊपर दे देते हैं ढक्कन और जब अम्मी और मेरे हस्बैंड आएंगे उसी वक्त जाना गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएंगे और सब मिलकर खाना खाएंगे। Hours later. Guys, अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। अम्मी ने तो खा लिए, रोटी बना लेते हैं। उसके बाद जो थोड़े से बर्तन भी हो गए हैं इनको भी वॉश करेंगे और जो बाकी के बर्तन उनको भी सेट करके रखेंगे, और जो सालन बचा हुआ होगा उसको भी फ्रिज में रखेंगे और जो आटा बचा हुआ इसको भी फ्रिज में रख देंगे। जी तो रोटी मैंने बना ली है, अब आ रही है किचन की सफाई की। तो पहले मैं सोच रही हूँ खाना खा लेते हैं, उसके बाद आराम से सफाई वगैरह करेंगे। जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो भी सूख चुके हैं, तो इनको भी सेट कर देंगे और ये वाले बर्तन भी वॉश कर लेंगे। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह बखैर एंड वेलकम बैक हो गया जी टू द सेम व्लॉग। तो गाइस आपको व्लॉग में कल और आज के व्लॉग में बहुत कम दिखने को मिला होगा, उसकी वजह यह है कि ऑफिस की टाइमिंग्स हो गई हैं 12 से 8, और 12 से 8 हो गई हैं लेकिन काम ख़त्म करते करते ना 12 बज जाते हैं, रात के 12 की बात करूँ, और फिर घर आता हूँ, डिनर करता हूँ और सो जाता हूँ। और इस वक्त जो ना आपसे कल और आज जो है ना थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, लेकिन खैर ये कुछ दिनों की बात है, मंडे से इंशाल्लाह टाइमिंग रूटीन सब सेट हो जाएगी। और साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ भी देता चलूँ, एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ आपको पहले देता हूँ कि हमारे ऑफिस में डाउनसाइजिंग हुई है, कुछ 12 से 14 जो है ना मेरे कुलीग्स वो जॉब उनकी जा चुकी है क्योंकि कंपनी ने ले ऑफ किया है, डाउनसाइजिंग की है, जिसकी वजह से 12-14 पर्संस की जॉब्स ये हैं, तो इसलिए जॉब्स के भी काफ़ी टफ सिचुएशन है। तो इसी वजह से जो ना मैं अभी इसी वीक 2 से 3 छुट्टियाँ भी हुई थी मुझसे, जैसे कि स्विमिंग पूल में मेरे साथ जो है ना वो हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद 2 से 3 दिन छुट्टियाँ हुई थी, तो फिर जो है ना 12 से 8 ऑफिस की टाइमिंग्स भी हुई। तो इसलिए जो है ना ये है कि काफ़ी टफ सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया बहुत जो है ना हालात ख़राब है जॉब के, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जॉब पे और व्लॉग्स में थोड़ा सा जो है ना कम आ रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मंडे से जो है फिर से जो है ना वापसी रूटीन बेहतर होगी, तो अच्छे से व्लॉग्स बनाएंगे। बाकी सो सॉरी, अलावा सोचा है मैंने आज जो है ना ऑफिस से आऊँगा ना तो एक प्रैंक का सोचा है, क्योंकि प्रैंक काफ़ी दिनों से नहीं किया ना चैलेंजेस के, तो प्रैंक सोचा है, आप देखें वो कामयाब होता ही नहीं होता, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा आपको, क्योंकि ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगा। और बाकी गुड न्यूज़ क्या है वो नीचे चल के बताते हैं। बाकी इस वक्त 11:30 हो रहे हैं, 12 बजे ऑफिस पहुँचना है, तो मेरे पास आधा घंटा रह गया, तो नीचे चलते हैं, गुड न्यूज़ भी सुनाते हैं और साथ ही साथ पैकिंग करके ऑफिस चलते हैं। बाकी सुबह का मौसम आपको दिखा दें, इस वक्त कड़क धूप हो रही है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ ना इस वक्त साय के नीचे यहाँ पर बहुत मज़ेदार हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ खड़े होकर आपसे बातें करके, तो थोड़ी देर यहाँ पर हवा इंजॉय करते हैं और फिर नीचे चल के आप सबको गुड न्यूज़ भी सुनाते हैं। अच्छा जी, रूम फातिमा ने सेट कर लिया है, वो मेरी बाइक की कीज़ रखी हुई हैं और वो जो है ना मेरा बैग रखा है जो ऑफिस लेके जाना है, और ये सामने मैं हूँ मिरर में। और गाइस मेरी यही दुआ है जिन 12 से 14 मेरे कुलीग्स की जॉब अफेक्ट हुई है, जिनको जॉब से निकाला गया है, तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द रोज़गार दे, क्योंकि मोस्टली लोग अपने घर को सपोर्ट कर रहे थे और उनके घर का निज़ाम भी बहुत आउट हुआ होगा, तो अल्लाह ताला उनको जल्द रोज़गार दे। तो यही है कि भाई जॉब का कोई पता नहीं होता कि कब है कब नहीं है, तो इसीलिए जो है ना हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो बस यही दुआएं कि जिन लोगों की रोज़गार अफेक्ट हुए आप सब भी दुआएं करें, चला उन सबको जल्द रोज़गार दे, आमीन सुमा आमीन। बाकी अब देते हैं आप सबको गुड न्यूज़, इतनी सारी टेंशन और बैड न्यूज़ सुनने के बाद जो है ना कुछ गुड न्यूज़ ही मिली है, वो गुड न्यूज़ ये है कि गाइस कुछ दिनों पहले मैंने कहा था मेरी गोल्ड रिंग जो है ना खो गई है, और आप सब समझ रहे थे कि चोरी हो गई, जैसे कि मेरी बाइक चोरी हुई वैसी कोल्ड ड्रिंक चोरी हुई, तो चोरी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना तो था कि 80%, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी कोल्ड ड्रिंक चोरी नहीं हुई होगी, मैं रख के भूल जाऊँगा और इस अलमारी में होगी। तो मेरी वाइफ जो है ना 2 दिन से देखी थी कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, और उनको ऐसा लग रहा था शायद मैं कोल्ड ड्रिंक की वजह से ना टेंशन में हूँ और डिप्रेस्ड हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक की वजह से टेंशन नहीं है, और टेंशन बहुत सारी हैं गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले, तो टेंशन बहुत सारी है, इसके अलावा और भी टेंशन से, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, टेंशन जो है ना आती जाती रहती हैं। तो फिलहाल गोल्डिंग जो है ना मेरी वाइफ ने मेरे ख्याल से पूरा दिन जो है ना ढूंढती रही है, और जो है ना फाइनली मुझे जो है गुड न्यूज़ दी है कि आपकी गोल्डिंग मिल गई है। तो हाँ जी, वाह भाई कहाँ से ढूंढी है आपने? आपके ब्लैक कुर्ते में। ब्लैक कुर्ते में? हाँ।
जी। कौन सा ब्लैक कुर्ता मेरा? जो आपने मल्ली में वाले दिन पहना था उसमें जी। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने गोल्डिंग जो ना सिर्फ मैंने एक ही बार पहनी है गोल्डिंग गाइस, दो बार शायद, ये बारात में मुझे गिफ्ट हुई थी ना तो बारात पहनी थी और उसके बाद नेक्स्ट डे वलीमा था ना तो नेक्स्ट डे ही मैंने लास्ट टाइम पहनी थी गोल्डिंग। और उसके बाद जो ना वैसे मैं गाइस अंगूठियां वगैरह पहनता नहीं हूँ तो ये गिफ्ट मिली थी तो इसलिए जो है ना अभी पहन तो नहीं सकता क्योंकि गोल्ड जो है ना मैं मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है ना मर्द नहीं पहनते ऐसे जी नहीं पहनते। हाँ चले दिखा तो दे, दीदार तो करवा दे। चले भाई ये गोल्डिंग फाइनली निकाल रही है। अच्छा अच्छा गाइस अच्छा ये कोर्ट में रखी हुई थी तो आप कुर्ता कह रही हैं, वही मैं बोलूँ कुर्ते में कैसे रख सकता हूँ, कुर्ता तो मेरे ख्याल से धुल गया होगा, वो दोबारा पहना था, कोट नहीं पहना था मैंने गाइस। तो ये कोट से निकालने सारे गाइस शादी के कपड़े हमने हैंग किए हुए हैं। तो ये रही जी गोल्ड की रिंग, होए इसका बॉक्स इतना प्यारा है। हाँ इसका बॉक्स गाइस का बॉक्स बहुत ही प्यारा है, इसको निकालो तो सही प्लीज़। और इसमें तो बहुत ज्यादा जो है प्यारी लग रही है गाइस, क्या बॉक्स है भाई, इसको कहीं पर जो है ना लगा भी नहीं सकते क्योंकि ऐसी चीजें ना अगर कहीं पर जो है ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ इसको कहीं पर लगा भी नहीं सकते, अगर लगाया ना तो ये जो ना वहां से गायब हो जानी है। गोल्ड कौन लगाता नहीं वैसे पहन तो नहीं सकता लेकिन कहीं पर जैसे होते हैं ना चीजें लगा देते हैं जैसे ट्रॉफीज वगैरह, तो ये कोई आम चीज है। खैर गाइस मैंने कभी ना जिंदगी में गोल्ड पहना है ना ही खरीदा है, अम्मी जो है ना अम्मी ही सब कुछ करती है तो इसलिए ना मुझे इतना आइडिया नहीं गोल्ड का। तो खैर यही करते हैं आज का व्लॉग एंड, और इसके साथ गुड न्यूज़ आपको अच्छी लगेगी, बाकी बैड न्यूज़ जो सुनाई है ना तो आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर करे। और इसके अलावा अभी ऑफिस चलते हैं और जो ना आजकल जैसे कि मैंने बताया मैं ऑफिस में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हालात बहुत ही टाइट हैं संगीन हैं तो इसलिए जो ना थोड़ा फोकस वहाँ पर ज़्यादा कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह जैसे कि मैंने बताया आज हमने जो करना है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको जरूर दिखेगा और इंशाल्लाह बड़ा मजेदार जो है ना वो प्रैंक होगा। खैर मेरे साथ जो है ना वो मैं अभी बता देता हूँ, फातिमा है मेरे साथ है ना। आपने क्यों बता दिया प्रैंक है? लेकिन आपके साथ नहीं करना ना तो इसलिए आपको तो बताना था, वैसे भी आपको बताना था मैंने, आपके साथ नहीं करना, आपने मेरा साथ देना ना तो इसलिए फातिमा को गाइस मैंने बताया हुआ है कि प्रैंक करेंगे। ठीक है तो यही करते हैं आज का ब्लॉग एंड और उम्मीद करते हैं आपको गुड न्यूज़ पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रहिएगा, टाटा अल्लाह हाफिज़। और जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कमेंट्स में कह रहे थे कि गोल्ड रिंग मिली है कि नहीं मिली है, बहुत परेशान है तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। जी जी बहुत परेशान थे, इसके अलावा फातिमा की अम्मी और दादी भी काफ़ी परेशान थे और उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा मतलब कॉल्स की और पूछा कि आपकी गोल्ड रिंग मिली नहीं मिली। ये गुड न्यूज़ आप सब यूट्यूब फैमिली और इसके अलावा उनके लिए भी है कि गोल्ड रिंग अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं केयर करूँगा और जो चीज़ रखूँगा वो फातिमा के सामने रखूँगा, मैं तो भूलता हूँ ताकि फातिमा को याद रहे। चलें जी मिलते हैं चला नेक्स्ट व्लॉग में, जिस तरह ख्याल रखिएगा, टाटा हाफिज़।